हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल कुकिंग टिप्स भाई निधि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी पाउडर जो झटपट बन जाता है व आपको रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है लौंग 8 से 10, सौंफ 2 चम्मच, अजवाइन 2 चम्मच, सौंठ 2 चम्मच, दालचीनी 2 चम्मच, हल्दी 2 से 3 चम्मच, तेज़पत्ता 4 से 5, काली मिर्च 2 चम्मच। सबसे पहले हम अपने सूखे मसालों को जैसे लौंग, सौंफ, अजवाइन, तेज़पत्ता, इन सभी को एक साथ भूंज लेंगे। फ्राई पैन अब हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ, अजवाइन, लौंग, तेज़पत्ता। हमें धीमी आंच में इसे सेकना है। हमें इन सभी मसालों को धीमी आंच में ही भूनना है। सभी सूखे मसाले अच्छी तरह से भुंज गए हैं। अब हम इसे पीसेंगे। सभी सूखे मसाले हमने भूंज लिए थे, अब हम इसे पीसेंगे। ये अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। सभी सूखे मसाले अच्छी तरह से पीसे गए हैं। हम सभी पाउडर वाले मसालों को भूजेंगे। सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी व हल्दी, इन सभी को हम हल्का सा भूज लेंगे। ये पाउडर बहुत जल्दी ही बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाने में बहुत समय नहीं लगता है। आप झटपट से ही वाला पाउडर बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए हमें किसी विशेष सामान की आवश्यकता नहीं होती है। घर में रखे सामान से ही ये बन जाता है। हमारे ये सभी पाउडर अच्छे से भून चुके हैं। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। जो हमने ये सूखे मसालों को मिला भूंजा हुआ था और पीस लिया था, इसे हम इसमें मिला देंगे। फिर हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बन गया ना झटपट इम्यूनिटी बूस्ट पाउडर। 1 गिलास गर्म पानी के साथ आप इसमें 1/2 चम्मच इम्यूनिटी बूस्ट पाउडर डालकर रोज़ सुबह दोपहर शाम पिए। ये सभी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने इसमें नींबू का रस यूज कर रही हूँ, 1/2 नींबू का रस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसमें आपके यदि डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो मत डालिए। इम्यूनिटी बूस्ट पाउडर बनकर तैयार है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कमेंट ज़रूर करें। अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।